पैनल में नाम नहीं था, अचानक जी ताराचंद जी आसमान से कैसे टपक के आ गए? ये करोड़ों रुपये देकर भी टिकट लेने वाले की लाइनें थी, ये मीडिया को जानकारी है। आपका पुराना लो विरोधी कहते हैं कि आपने गुलाब चंद जी कटारिया की भी बगावत की, बीजेपी की बगावत की, फिर ये टिकट कैसे आया? ये ऐसा है, बाद में क्या समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन पारस जी को कैसे मनाएंगे? ऐसा है, देखो पार्टी का बहुत समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। जिस वृक्ष को उन्होंने बड़ा किया था उसमें तेजाब डालने का काम ताराचंद जी जैन ने किया। अब इसके साथ में एक बात ये भी कहते हैं कि वेनिस नहीं बन सकता है। हाँ, हम वेनिस क्यों नहीं बन सकता है? लोग तो वेनिस का इंतजार कर रहे हैं और आपको जीता के वेनिस बनाना चाह रहे हैं। आप तो सुन तो लो, आपके जीतने के साथ। देखिए, मेरा नाम सुनील पंडित है और द उदयपुर अपडेट्स में हम रोचक रोचक नई नई जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं और राजनीतिक माहौल है तो राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए हम इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उदयपुर की मैं बात करूं तो यहाँ ताराचंद जैन पर भाजपा ने विश्वास जताया है और उनको प्रत्याशी बनाया है। इसी के साथ में उनके जो कह सकते हैं उनके सामने पारसजी सिंघवी ने बगावत कर के सुर जो अख्तियार लिए हैं, विरोध का जो उन्होंने रास्ता अपना लिया है, उसी बीच पूरा जो घटनाक्रम है वो एकदम से चेंज हो गया है इनके लिए। अब इनके समर्थक कहते हैं कि ताराचंद जी जैन काफ़ी वरिष्ठ हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, जबकि इनके विरोधी कहते हैं कि इन्होंने कुछ सालों पहले भाजपा की बगावत की है, गुलाब चंद जी कटारिया की बगावत की है। इसी पूरे परिवेश को लेकर, इन सारे सवालों को लेकर आज ताराचंद जी जैन हमारे साथ में। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पार्टी का बहुत बहुत आभार कि मुझ जैसे एक वर्षों से काम करने वाले कार्यकर्ता को सुखड़े जी ने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया, भानु कुमार जी ने स्वयं यहाँ से सांसद रहे, विधायक रहे, गुलाबचंद जी कटारिया रहे, शिवकिशोर सनाटे रहे, तो उस ऐसे वरिष्ठ नेताओं ने जिसका प्रतिनिधित्व किया और आज मुझे ये मौका दिया, ये इससे बड़ी गौरव की बात मेरी कुछ हो नहीं सकती। एक सवाल है भाई साहब कि लोगों का कहना है कि आप दावेदार नहीं थे, दावेदारी में आपका पैनल में नाम नहीं था, अचानक जी ताराचंद जी आसमान से कैसे टपक के आ गए? ये सवाल जिनको राजनीति के अंदर बहुत अल्पकाल हुआ है वो ऐसा सोचते हैं। अच्छा, पार्टी ने ना तो दूसरी पहली सूची कह रहा हूँ, दूसरी पार्टी के लिए दूसरी है, पर बड़े स्वरों की पूछी कई सीटें अभी उलझी हुई हैं जिसपे विचार करना है, क्या करें क्या नहीं करें, और पहली सूची में पहली बार में नाम निकलना पार्टी का ये दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ऐसा है कि उन लोगों ने अपने आप को ही देखा होगा, मैं कल एक पार्टी के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी के पास बैठा था, सत्य घटना बता रहा हूँ, वो अपने चांद अपने गणेश घाटी के ऊपर नाम क्या रामेश्वर जी सोनी, उनसे वो बहुत वरिष्ठ टेंशन के समय से कार्यकर्ता थे, तो जब उनको मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा भाई साहब एक बात कहूँ, मैं कह दो कि मैंने कहा ये जितने नाम दौड़ रहे हैं आ रहे हैं उनमें से एक नहीं होगा, एक नहीं होगा। तो कह रहे थे कह रहे कैसे हैं ये सब अखबार कह रहे हैं ये प्रत्याशी ये कह रहे कि इनमें से एक नहीं आएगा। फिर मैंने ये कहा उनको ही, उनकी पत्नी ने कहा कि ताराचंद जी आएंगे, ये चार महीने से कह रहे हैं, तो ये उनकी परिपक्वता, पार्टी के अंदर वर्षों में जनसंघ से काम करने वाले कार्यकर्ता रहे, तो पार्टी क्या सोचती है, क्या विचार करती है, किसने काम किया, कौन सा करोड़ों रुपये देकर भी टिकट लेने वाले की लाइनें थी, ये मीडिया को जानकारी है। तो मुझ जैसे कार्यकर्ता को जिसने कभी आपने सोचा होगा कि कहीं ये अखबार में या कहीं ये प्रयास भी नहीं किया होगा, एक बैनर भी नहीं बनवाया होगा मुझे टिकट दो या ये दो, तो पार्टी बहुत गंभीरता से जितना कार्यकर्ताओं के अंदर, मतलब मेरे 45 वर्ष से राजनीति में काम करने के जो समर्पण था उसका मुझे पुरस्कार कह रहा हूँ मैं, वही ये था, ये राजनीति के अंदर जो सोच जनसंघ से लेकर आज तक का समझने वाला कार्यकर्ता होगा वो यही कहेगा।
आप कह रहे हैं कि पैसा देने वाले भी नहीं देने वाले भी ऐसे प्रत्याशी थे जो टिकट के लिए पैसा भी दे सकते थे, आपने पैसा भी नहीं दिया। आपका पुराना लो विरोधी कहते हैं कि आपने गुलाबचंद जी कटारिया की भी बगावत की, बीजेपी की बगावत की, फिर ये टिकट कैसे आया? ये ऐसा मतलब ऐसा है कि पहली बात कि गुलाबचंद जी कटारिया, ठीक है ये बात सही है कि किसी सिंबल का पिछले 15 वर्ष 45 वर्ष और 50 वर्ष के अंदर एक लाइन अगर मेरे खिलाफ एक लाइन उनको चुनौती देता हूँ जो ये बोल रहे हैं, एक लाइन निकाल के बता देवे कि मैंने सिंबल का विरोध किया हो, एक ये बात सही है कि राजनीति के अंदर मान लो किसी संगठन में एक महिला बहन के चुनाव हुए थे, महिला बहन के चुनाव हुए, मत भिन्नता से कुछ प्रत्याशी खड़े हुए, आपकी बेटी को आपने जिताने के लिए पार्टी, ऐसा है ये ऐसा है, बेटी भी उसमें एक प्रत्याशी थी, मैंने सही कह रहा हूँ, जैसे ही बैंक के चुनाव खत्म हुए मैंने मेरा प्रदेश कार्य समिति से उसमें मैं था त्यागपत्र भेज दिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी गुलाब जी ने कहा कि ये सिंबल का विरोध नहीं है, आपका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया, उस दिन की अखबार निकाल के देख लीजिए। अखबारों में एक दो कटिंगें वायरल हो रही है, उसमें ये आ रहा है कि भाई 6 बार जिला अध्यक्ष रहे ताराचंद जी जैन, उनके खिलाफत करने के लिए कुछ लामबद्ध हुए हैं, तो ये क्या मसला था जो लामबद्ध ऐसा है? जो देखिए आप लामबद्ध, ये चुनाव की प्रक्रिया में सभी जगह होता है, 10-15 कार्यकर्ता होते हैं, 10 होते हैं जो टिकट मांगेंगे, अब टिकट मांगने के बाद वो इतना ये पालने लेंगे कि हमारा ही अधिकार है तो उनको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि पार्टी सबकी है, टिकट 15 टिकट मांगेंगे मिलना तो एक है और लाभ बंद होना दूसरी बात है। मैं इसी जगह पर पार्षद बन के उप महापौर का मैं सोच रहा था कि मुझे बनाएगी, मुझे नहीं बनाया कि मैंने एक लाइन बोली तो बताओ आप, कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है, पार्षद जी को बनाया तो मैंने जब 4 साल में एक लाइन आपसे चुनौती पूर्व कर रहा हूँ कि एक लाइन निर्माण समिति के लिए भी बनी हो, 150 करोड़ के काम होने के बाद और उनके चुनने के बाद पार्टी की प्रक्रिया को स्वीकार किया, सत्य ही काम किया। आपने पारस जी का नाम लिया, पारस जी विरोध पर हैं, विरोध देखा जा रहा है, बाद में क्या समीकरण बनते हैं बिगड़ते हैं, लेकिन पारस जी को कैसे मनाएंगे? ऐसा है देखो, पार्टी का बहुत समर्पित कार्यकर्ता रहे, मेरे को 45 वर्ष हुए काम करते हुए तो उनको भी 30 वर्ष हुए, संघ के स्वयंसेवक हैं वो भी, मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूँ वो भी उसी से, ठीक है आक्रोश है, सौभाग्य प्रक्रिया का भाग है, आप देखेंगे कि ना तो किसी को मनाने की जरूरत पड़ेगी, उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आप जिस दिन नॉमिनेशन होगा वो स्वयं हमारे साथ आएंगे। वो कहते हैं कि मैं पार्टी का विरोधी नहीं हूं, मैं ताराचंद जी जैन का विरोधी हूं, ताराचंद जी वो व्यक्ति हैं जिसने पार्टी को डुबोया है, पार्टी को ख़त्म किया है, जिस वृक्ष को उन्होंने बड़ा किया था उसमें तेजाब डालने का काम ताराचंद जी जैन ने किया। ऐसा है कि मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर सभी जिलों में मुझे पार्टी ने भेजा है, एक चुनाव वो निकाल के बता देवे जहाँ हारे हूँ 85 से, अभी गांधीनगर जिला मुझे दिया था, अमित शाह की मानसा सीट 15 साल से हार रही थी, कलोल 15 साल से हार रही थी, उत्तर 10 साल से हार रही थी, पांचों की पांचों सीटी, तब तेजाब कहाँ डाला उनसे पूछो एक जगह बता दे। वो एक सवाल ये भी कह रहे हैं भाई साहब कि ताराचंद जी जैन जो है सनातन विरोधी हैं, संघ विरोधी हैं। ऐसा है कि राजनीति में या जीवन की 15-16 साल की उम्र में कभी MLA बनेंगे कभी सोचा नहीं था, राष्ट्र धर्म के विचारों से प्रेरित होकर संघ के माध्यम से आया, आपातकाल के बाद 6 महीने जेल में रहा, उसके बाद पार्टी ने ये तय किया हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं आपको यहाँ जाना है, उस दिन से राजनीति में हूँ उस दिन से, और राष्ट्र धर्म ही हमारा धर्म है,
एक उदाहरण नाम बतावे, मतलब मेरा उनसे भी आग्रह है। उदाहरण वो ये बता रहे हैं कि आप तो जैन समाज के मुनियों को भी नहीं मानते हैं, प्रभु श्री राम को भी नहीं मानते हैं। ऐसा है कि जैन समाज में अयोध्या के अंदर जब बाबरी ढांचा गया था उसमें साक्षात में मौजूद था, पहली बात ये तो वो भी मान रहे भाई। अच्छा चलो, दूसरी बात, जितने धर्माचार्य बैठे हैं अभी, आप सब स्वयं उन सब धर्माचार्यों को जाके पूछो ना, तो वो सर्टिफिकेट जारी करे ना मैं अपने लिए कुछ कहूँ। हाँ, बोलो आप। विरोधियों का कहना है कि आपने गुलाब चंद जी कटारिया का विरोध खुलकर किया है और जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर की नामांकन रैली में भी आप शामिल थे। ऐसा है, ये बात सही है, मुझे कहने में ये भी आपत्ति नहीं है, फ्रेंकली कहता हूँ। ऐसा है कि पार्टी के अंदर मेरा वर्षों से उनसे संबंध था, उन्होंने आग्रह किया, कौन सी नामांकन के बाद, वो अभी पार्टी के नियम कायदे नहीं जानते हैं, उनको ये समझा कह देना कि सिंबल अलर्ट होने के बाद अगर मैं जाता हूँ तो मैं दोषी हूँ। नामांकन रैली में तो सिंबल अलर्ट हो गया, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं उसके बाद पेस बाद में होता है। और रैली के अंदर ना तो मैं रैली के अंदर उनके साथ गया, ये बात सही है, उस दिन मैं मौजूद था, पार्टी के लोगों को भी ये जानकारी है, कोई बात नहीं, उसको मैं दुख रहा हूँ नहीं, आप प्रमाण लो, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में बताया, क्योंकि आप बताइए मुझे कि मैं उस दिन मैं था, यहाँ से जहाँ चाय पी उनके साथ चाय पी, ये भी बहन जी हो गए थे, ये भी थे, उनको कहा ना तो आपके भाषण देने आऊँगा ना आपके नामांकन पेश करोगे वहाँ आऊँगा, कौन सा खाली हम बधाई देने गए, बधाई देने गया, मैं गया ना, कह रहा हूँ अभी भी सार्वजनिक रूप से गुलाब जी भी ये जानते हैं। और सिंबल पेश करने के बाद अगर उनके साथ जाते हैं तो पार्टी के दोषी होते हैं, तो मुझे सब पार्टी की मर्यादा नियम सब मालूम है। पारस जी के मुखर होने के बाद में व्यापारी वर्ग और समाज का एक धड़ा उनके साथ में देखा जा रहा है विरोध रैली में, ये कैसे इस चुनौती से आप निपटेंगे? ऐसा है के व्यापारी बंधु, व्यापारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी पार्टी का नहीं, पहली बात, वो सभी व्यवसाय समूह व्यवसायियों का एक समूह है। अब उसमें भाजपा के रहे होंगे, कांग्रेस के रहे होंगे, अधिकांश भाजपा के हैं। अब व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर बहुत आग्रह के बाद अगर कोई किसी के साथ चला जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कहते हैं बार बार कि उदयपुर में जब मुझे मौका मिला, मैं जीता तो मैं बहुत बड़े विकास कर दूंगा, विकास के आप दावे करते हैं, क्या विजन है आपके पास में? ऐसा है कि ना तो मैंने कोई वादा किया है ना कोई वो किया है, ऐसा है कि ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मुझे तो ये परिकल्पना भी नहीं थी कि मैं आज 4 साल बाद विधायक बन जाऊँगा। इसी निर्माण समिति का जब मुझे उत्तरदायित्व दिया, अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि एलिवेटेड रोड बहुत प्रयासों के बाद गुलाब चंद जी कटारिया ने स्वीकृत कराया, 400 करोड़ रुपया रेलवे अपने नटराज होटल से लेकर कलेक्ट्रेट तक व्यापारी बंधुओं के विरोध को किसने किया, क्या किया, ये विषय अलग है, उसके कोर्ट के स्टे से वो फाइल दफन हो गई थी, मैंने गड़ी हुई फाइल को जिंदा की, जिंदा करने के बाद स्वीकृत की, उसका DPR बन गई है और 214 करोड़ के अंदर 2.25 किलोमीटर की 2.6 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड अब उसके लिए तैयार है, किसके लिए, अपने टेंडर के लिए। तो मैंने कोई वायदा नहीं किया, न कल्पना नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अवसर मिला है, मैं आपको गारंटी देता हूँ 400 करोड़ वाला काम 215 करोड़ में होगा और ये पहला काम है। अब इसके साथ में एक बात ये भी कहते हैं कि वेनिस नहीं बन सकता है। हाँ, हम वेनिस क्यों नहीं बन सकता है, लोग तो वेनिस का इंतजार कर रहे हैं और आपको जीता के वेनिस बनाना चाह रहे हैं। आप सुन तो लो, आपके जीतने के साथ है कि मैं झूठी थोती बात करता ही नहीं हूँ। आपको वेनिस जाने का मौका मिला नहीं मिला मैं नहीं कह सकता, मेरे को नहीं मिला, नहीं मिला, मैं कई बार गया हूँ, बताएं थोड़ा सा, अवगत कराएं हमारे। ऐसा है, मैं कई बार गया हूँ वेनिस, इटली वासियों ने नहीं बनाया है, मेरी बात नहीं समझे, वो नेचुरल बना हुआ है, चारों तरफ पानी है, चारों तरफ गाड़ी चल नहीं सकती और उसके बीच में छोटी छोटी जगह 1-2 किलोमीटर बच गई है, उसके अंदर शहर बसा हुआ है, तो भगवान ही कोई ऐसा चमत्कार कर बना सकते हैं।
हार नहीं मिला भगवान ही करे तो चमत्कार करे। अब मैं इस तरह की झूठी बातें कर दूं और तो फालतू की बात होगी, लेकिन मैंने ये बात जरूर कही है कि उदयपुर शहर के अंदर निश्चित रूप से उदयपुर शहर को जैसा कि अपन साबरमती रिवर फ्रंट बना है, अपने नाम भूल गया नहीं है वाला पंचवटी से ऊपर वो रंग सागर क्या कहते हैं ये स्वरूप अपने स्वरूप सागर से लेकर माद्री इंडस्ट्रीज एरिया तक लगभग 6 किलोमीटर है। अगर इसको इस पानी को 4 और 5 आ रही है दिवस, पानी की कोई कमी नहीं रही और 2 एनीकट बड़े बन जाए अच्छे उसके लेवल को देखकर और चारों तरफ 12 किलोमीटर की रिंग रोड बन सकती है और पेड़ लग जाए, व्हीकल अलाउ नहीं हुए स्कूटर या मोटरसाइकिल वो भी टू व्हीलर ने लोग घूमे बैठे पेड़ लग जाए और उसका नज़ारा एक अद्भुत बन जाए तो छोटा रिवर फ्रंट उदयपुर में बन सकता है। ये मैं सोच रहा हूँ अब कितना और ये काम मैं जो सोच रहा हूँ वो 150 करोड़ से भी कम का होगा। एक सवाल भाई साहब की कांग्रेस ने भी दावेदार खोला नहीं, उन्होंने पत्ता खोला नहीं, लेकिन खोडनिया जी का नाम आ रहा है कि खोडनिया जी आजाद ने हैं ऐसा है तो आप कैसे समाज को समाज की विचारधारा को आपकी तरफ मोड़ने का ऐसा है कि कांग्रेस इस बात से भयभीत है कि हम क्या करें। हमारे यहाँ तो छुटपुट आक्रोश आया है, उस विरोध को झेलने की हिम्मत नहीं है, उसमें से टिकट घोषित नहीं कर पा रहे और इस बात में कि इसको खड़ा करे कि इसको खड़ा करे कि उसको खड़ा करे उस उदयपुर में किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा। लोग कह रहे हैं पैसा अगर खोडिनिया जी को टिकट मिल गया तो ताराचंद जी का थोड़ा सा जितना मुश्किल है। ऐसा है मैं कांग्रेस को बधाई दूंगा कुंकू ले आवे, मैं उनके गृह क्षेत्र के अंदर वो डूंगरपुर जिलाध्यक्ष थे, मुझे डूंगरपुर नगर परिषद की 1.5 साल पहले जिम्मेदारी दी, 7वां बोर्ड कि कौन सा 2/3 बोमों से भाजपा का बना के मैं आया हूँ, वो अपने घर में ही नहीं जीता पाए उनके स्वयं के, ये पूछना मैं कह रहा हूँ आपको। और दूसरी बात कि दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी संस्था जिसको उदयपुर में एक आदमी नहीं मिल रहा, डूंगरपुर से लाना पड़ रहा है, अब खोडने जी कभी यहाँ आते हैं कभी यहाँ आते हैं न, जबकि उनको मेरा अंदाज है 1-2 साल से ज़रूर वो सक्रिय हुए हैं, तो उनको अब क्या नाम सागवाड़ा में ढूंढेंगे उदयपुर की जनता के, डूंगरपुर में ढूंढेगी के जयपुर में जाएंगे, ये उस बात का जवाब जरूर दे दे रहे हैं, कहाँ ढूंढेंगे। मेरा भी ये सामने ऑफिस वहाँ घर आधा ये यहीं बैठता हूँ दिन भर। अंतिम सवाल ये कि आप अगर विधायक बनते हैं या जीतते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी उदयपुर को लेकर? देखिए आप मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपके सामने बता रहा हूँ, आज से 6 महीने पहले सुनिए आप, आज से 6 महीने पहले ये था, अरे हाँ नहीं था, ये मेरा परिकल्पना का पहला दृश्य है। ये देखो इतने कबूतर बैठे हैं उधर दिखाए तो ये देख लो आप, और ऐसे ये तो हो गए जब मेरे को कल्पना नहीं था, कल्पना भी नहीं थी मैं विधायक बनूंगा, ऐसे 16 बनेंगे उदयपुर शहर में 16, सभी ऐसे स्थान पर देखिए कबूतर, तो हमारा ध्येय उदयपुर को उदयपुर के उदयपुर वासियों से लेकर जीव जंतु से लेकर सभी काम सब हुए हैं। आप लोगों के आप लोगों की राय से, मीडिया की राय, उदयपुर वासियों की राय, टूरिस्ट एजेंसियों की, होटलों की राय लेकर, क्योंकि मैं अपने आप को समग्र ज्ञानी मानता ही नहीं हूँ, कुछ जैसा मुझे लगता है वो सब तो मैं करता हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, ये सामने देख लो, ये 6 महीने पहले नहीं था, ऐसे 16 बनेंगे, काम चल रहे हैं, आप गुलाबबाग में 2 बन रहे हैं, दूध तलाई पे बन रहा है, नीमच माता बन रहा है, पंडित दीनदयाल पार्क बन रहा है, 16 के नाम को मैं अभी गिना देता, पूजा पार्क बन रहा है, तो ये देखिए बैठे आपके सामने, तो ये किसी कोई मांग लेके नहीं आए थे मेरे पास,
कोई एक आदमी ने आके नहीं कहा हमारे कबूतर कहीं बैठने के लिए क्या करें, तो ये हमारा चिंतन है। ऐसा जहां पर भी आप सुझाव देंगे होने वाला गारंटी, होने वाला काम की गारंटी देता हूं कि मैं करवा पाऊंगा। एक अंतिम सवाल इसके साथ में आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। भाई साहब, गुलाब जी चंद जी कटारिया के साथ में आपके अचानक से संबंध किस मधुर बन गए, टिकट मिल गया है, ये सारा समीकरण किस बैठाने के आपके क्या? ऐसा है देखो, ना तो मैंने कोई समीकरण बैठा है, ना कहीं आपने कभी ऐसा लगा पिछले 5 वर्षों में कि मैं जब जरूरत होती है तो वहाँ चला जाता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ, ना तो आपने कभी मुझे देखा नहीं होगा। देखा आपने, पार्टी के काम के लिए, राजनीति की बात करने के लिए जरूर साथ रहता हूँ, ना समीकरण बनाने में मेरा भरोसा है और ना उनका सोच रहता है कि उनका कोई चेला बने, वो कभी ऐसा सोचते ही नहीं है। तो ये थे ताराचंद जी जैन, भाजपा के प्रत्याशी। इन्होंने आपके जो तमाम सवाल जो आपने किए थे, हमने पूरी बेबाकी और ईमानदारी के साथ में पूछने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम तारा जी से वापस आएंगे, मिलेंगे, पूछेंगे और ये चर्चा जारी रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद जी। वाह।